हमारे यहाँ एक इशू है जो तुमने बहुत ज्यादा पोर्ट्रे किया है, मुराद, ठीक है, वो एक ऐसे शख्स की कहानी है जाहिर है जो मतलब दोनों तरफ है, उसका जाविया जो है वो खातून का भी है, मर्दाना जाविया भी है। हिजड़ा कहने में कोई बुराई नहीं, नहीं कोई नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई बुराई नहीं, वो हम हिजड़ा कह सकते हैं, ख्वाजा सरा कह सकते हैं, और उसके बाद मूरत तुमने किया और उसकी डिपेक्शन बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जब भी मैं कोई ऐसा सवाल करने लगता हूँ वहां से एक इशारा आता है तो एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद विल कम बैक टू दैट। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ, दिलावेज। दिलावेज, मुझे पता था ये आप ही होंगी। कैसे? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हमारे साथ मेहमान है कामरान कुरैशी, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। मैंने आपसे कहना था कि आपके आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, मगर आपके ड्रामास वगैरह जितने भी आपने बताए, सॉरी ड्रामास के लिए, शोज आपके बहुत अच्छे हैं। आपका माँ वाला शो जो था हम लोग सारा देखा है, आपका क्या जो था वो कैरेज कैमरा जैसा, दैट वाज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप जो अब जो आप प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको कामयाबी दे उनमें। थैंक यू। फॉर योर वाइफ आई मस्ट से कि वो भी बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और वो आपके साथ पीछे है इसीलिए आप इतना कामयाब हो रहे हैं। मेरे पीछे वाइफ एंड देन मदर एंड देन मेरी बेटी। आपको पता दिलावेज क्या कहते हैं, ये एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, राइट? उसका पूरा कर दें आप इसको, एंड बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर आर टू। So, अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है तो डोंट डू इट। नहीं नहीं, ऐसा कोई इरादा, और बहुत चेक रखती है वैसे मेरी वाइफ मेरे ऊपर, वो तो लग रहा है। और जहाँ उनको थोड़ा सा शक हो तो वो मेरे पीछे शूट पे भी पहुंच जाती है, और वैसे तो शूट पे होती है। और जो आपने रोड्स का कहा है, तो हमारी रोड भी एक महीना हो गया छुट्टी हुई है सारी, और बारिश भी इतनी होती है। शुक्र है मेरी बात की ताईद मिल रही है यहाँ। वो 18 से पहले नहीं बनेगी, आई नो 18, तो खैर 18 क्या, अगले बल्दियाती इलेक्शन होने दें और दुआ करें उससे पहले पहले बन जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगी। अब मुश्किल ही है, अब हम सारे साइकिल्स खरीद लेंगे बेचारे जी। अच्छा साहिर जी, आपने अभी तक अपना ईमेल एड्रेस नहीं दिया, और प्रोग्राम आपने 3:30 बजे रिपीट करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब मुझे कुछ नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे पता होता है। अच्छा, ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा, you are running a very, very, very good show and you're very good host. अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ टू यू। अच्छा, हम बात कर रहे थे मुराद की, हम बात कर रहे थे मुराद की, कोई खास वजह है? डू द टच अ कोड इन योर हार्ट, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, डू द टच अ कोड इन योर हार्ट दैट यू हैव टेकन दिस सब्जेक्ट? पहली वजह तो ये है कि इस सब्जेक्ट पे काम नहीं हुआ होता, ठीक है। पीटीवी के दौर में भी स्लाइडली थोड़ा बहुत टच करते रहे इस चीज़ को, लेकिन इसके ऊपर बेस करके कभी सब्जेक्ट नहीं बनाया। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि शायद डरते थे या सेंसर पॉलिसी या व्हाटएवर, इस तरह का कोई भी रीज़न हो सकता है। और डायरेक्टर्स यूजली जैसा एक्टर कोई नया करेक्टर में कास्ट होने से डरता है। साल जड़े के लिए मैंने शफी मोहम्मद शाह को फ़ोन किया था, एंड देन सुबह रिकॉर्डिंग थी और उनकी फैमिली ने बायकॉट कर दिया कि आप नहीं करेंगे ये रोल, और इस तरह की काफ़ी सारी लिस्ट है जिनको मैं फ़ोन करता रहा और वो मुझे मना करते रहे कि जी हम ये रोल नहीं कर सकते, हमारा इमेज, ये मसला, फला मसला। इसी तरह ट्रीटमेंट के हवाले से कि बड़ी बारीक लाइन है इस ज़ात को पोर्ट्रे करने में, ठीक है। बारीक लाइन किस लिहाज से कि जो उनके इमोशंस हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो और जो जिस तरह से हम लोग हिजड़ों को देखते हैं, ठीक है, उस दोनों को पोर्ट्रे करने में बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ता है डायरेक्टर को, और वो शायद उस ख्याल रखने के लिए मैं बेतहाशा हिजड़ों से जाके मिला हूँ, उनके साथ डिस्कशन की। वो बहुत जरूरी होता है रिसर्च वर्क तो होना, ऐसे बैठा हूँ जैसे मैं उनमें से हूँ, या मैं उनके साथ डिस्कशन की। जैसे औरतों का पूरे जितना मैंने काम किया है या माओं का किया, तो उसमें मैं अक्सर औकात सानिया को कहता था कि मैं, या लोगों को, कि मैं भूल जाता हूँ कि शायद मैं मर्द भी हूँ। Oh, amazing, amazing. और इसी तरह amazing, औरतों wonderful. के बाद फिर अनकॉन्शियसली मैं इस सब्जेक्ट की तरफ गया हूँ शायद, ठीक है, और उसमें अगेन मैं भूल गया हूँ कि शायद मैं मर्द हूँ। क्या बात है, ठीक है, और मुझे उनके लेवल पे जाना पड़ा।
मुझे उनकी प्रॉब्लम्स को खुद फील करना पड़ा, समझना पड़ा. और आई स्वेयर टू गॉड ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एंड आफ्टर द रिकॉर्डिंग मैं हाथ यूं अनकॉन्शियसली और मेरा चलना वैसा है वैसा रहा और मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं फील होती थी. शर्मिंदगी कोई शर्मिंदगी मुझे फील नहीं होती थी कि वो भी इंसान है. बहुत मैं उसमें स्पीच नहीं देना चाहता या मैं उनके लिए सिंपैथीज नहीं गेन नहीं आप ये बात बहुत खूबसूरत आई रियली लाइक दैट. स्क्रीन के थ्रू देना चाहता हूं लोगों को. yes, मैं खुद कह के नहीं कि नहीं जी बेचारे होते हैं फला. आई डोंट वांट टू से दैट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अगर आप इजाजत दें टेलीफोन कॉल है बट वन थिंग दैट यू हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू. एंड चल रही थी बत्ती, लेट्स सी. ओह सॉरी कट गई. बट वन थिंग यू हैव सेड इज वेरी वेरी ट्रू कि वो इंसान होते हैं, उनको इंसान समझना चाहिए. और उनको हम और कुछ नहीं समझ सकते. दे आर ह्यूमंस. That's all they are. Nothing else. Equal level pe le. Yes, equal. Humans छोड़ दे, इंसान छोड़ दे. मैं तो ये कह रहा हूँ equal level पे. जैसे आप है वैसे वो है. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल. मतलब वो एक अलग matter है कि ability है या नहीं है या मर्द है या औरत है, whatever. अब आज अब जब कभी बनाओ ना फोन कर लेना, मेरी family boycott नहीं करेगी. अच्छा अच्छा, सोचो please.